आप देख रहे हैं न्यूज फोल्डर, निर्भीक, निष्पक्ष, बेबाक, आपका अपना न्यूज फोल्डर। 12 जनवरी का देश और दुनिया में बड़ा इतिहास है। 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था और इस दिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी वानगी में बुद्ध विहार विकास समिति ने अपने यूथ विंग की घोषणा की। आपको बता दें कि बुद्ध विहार विकास समिति के संगठन का महिला इकाई के रूप में पहले भी विस्तार हो चुका है और अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए यूथ विंग का गठन किया गया है। वर्तमान समय में 18 से 35 वर्ष इसकी आयु सीमा है और 11 युवाओं की एक टीम बनाकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रेस वार्ता के दौरान इस तरह की तमाम जानकारियां यूथ विंग को लेकर साझा की गई। उस सोच को आगे रखने वाले हमारे बुद्ध विहार विकास समिति के अध्यक्ष विकास गोयल जी हमारे साथ में, जो कि 20 साल आगे की सोचते हैं कि हमारे बुद्ध विहार या जिस एरिया में हम रह रहे हैं वो आगे 20 साल बाद कैसा होगा, यानी फ्यूचर स्टिक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज बुद्ध विहार विकास समिति की एक युवा विंग, यूथ विंग का एक गठन हो रहा है और ये अभी हमने मीटिंग किया था 8 जनवरी को, जिसमें हमें ये लगा कि बुद्ध विहार के लोगों के लिए हम तो कर ही रहे हैं सेवा, लेकिन बुद्ध विहार का जो युवा है, जो अपना सोशल मीडिया पे अवेलेबल है और उसके जो विचार हैं वो लोगों के लिए क्या, यानी वो कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इवन ये जो 11 लोगों की टीम है ये हमारे साथ बैठी हुई है, जो जिसमें रजत मित्तल जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, तो ये 11 लोगों की टीम जो है इसका गठन आज हो रहा है। आज 12 जनवरी का दिन है, बड़ा ही पावन दिन है। तो इस दिन पे इस समिति का, जो युवा यूथ विंग का है, यूथ विंग का गठन हम लोग कर रहे हैं बुद्ध विहार विकास समिति में। तो मैं अब इसको इस तरीके से आगे रखना चाहूँगा कि विकास भाई अपने विचार इस पर व्यक्त करें कि इसकी जरूरत क्यों हुई, यूथ विंग की क्या आवश्यकता थी और आगे हम किस तरीके से बुद्ध विहार के लोगों की सेवा कर सकते हैं इस यूथ विंग के माध्यम से। धन्यवाद शेखर भाई। नमस्कार, मैं विकास गोयल, संस्थापक अध्यक्ष बुद्ध विहार विकास समिति। साथियों, आज बड़ा हर्ष का विषय है, जैसे कि मेरे भाई हमारे समिति के प्रवक्ता चंद्रशेखर गुप्ता जी ने आप सबको बताया कि आज का दिन हर युवा के लिए बड़ी प्रेरणा का दिन है, जो कि उनको नई नई ऊर्जा हर युवा को देता है और आज हर युवा को एक नया संकल्प लेने की जरूरत है कि आज हम क्या करें। इसी को साक्षी मानते हुए आज बुद्ध विहार विकास समिति की गवर्निंग बॉडी ने एक फैसला लिया। जिस तरीके से पिछले 3 वर्षों से बुद्ध विहार विकास समिति की महिला इकाई महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रही है और बड़ा ही ऊर्जावान तरीके से कार्य कर रही है, उसी दिशा में क्यों नहीं आखिर ये युवा, जिसकी बुद्ध विहार विकास समिति ने आयु सीमा 18 वर्ष से 35 वर्ष रखी है, क्यों नहीं ये युवा मिलकर क्षेत्र के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। जो पहले बुद्ध विहार विकास समिति द्वारा समाज कल्याण, पर्यावरण जागरूकता और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य हो रहा है, उस दिशा में और कदम आगे बढ़ते हुए क्यों ना ये युवा आगे बढ़कर और क्षेत्र के विकास के लिए काम कर सके। साथियों, हम सब के लिए आज का दिन प्रेरणा का दिन है और एक नया संकल्प लेने का दिन है। आज उसी दिशा में बुद्ध विहार विकास समिति द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है और आज यह यूथ विंग की स्थापना, युवा इकाई की स्थापना की जा रही है। मतलब मैं कहूँ तो 11 बेस्ट जो बुद्ध विहार क्षेत्र के विकास में अपनी भूमिका, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये वो 11 बेस्ट है। आपने बेस्ट 20 तो सुना होगा, ये 11 लोगों की ये टीम है जिन्होंने आज फैसला लिया है और जो आह्वान कर रही है आप सभी से। आज मैं सभी युवा साथियों से, अपने क्षेत्र के युवा साथियों से एक आह्वान करना चाहूंगा कि जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। तो साथियों, मैं आज CCN, मेरे CCN न्यूज चैनल, मेरे पत्रकार बंधु मेरे साथ हैं यहाँ पर, आज इस कवरेज को कवर कर रहे हैं, आज इस
प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे हैं और न्यूज फोल्डर से हमारे गुलशन भैया जी, गुलशन सैफी जी, मैं इन पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करूंगा। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी से आह्वान करूंगा, सभी युवा साथियों से आह्वान करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बुधविहार विकास समिति युवा इकाई से जुड़े, जिसकी आयु सीमा 18 से 35 वर्ष है और हमने बड़ा नॉमिनल एक आजीवन सदस्यता, सिर्फ 500 रुपए का आजीवन शुल्क रखा है इसके अंदर, केवल 500 रुपए शुल्क है। आप 500 रुपए की शुल्क सदस्यता के साथ आप अपने जो सदस्यता है वो ले सकते हैं। और जुड़ने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9212800840 पर आप कॉल और SMS और व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपना नाम और पता भेजकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आगे आपसे हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी और आने वाले आयोजनों में आपकी भागीदारी मुख्य रूप से हो। मैं रजत मित्तल, मुख्य सलाहकार बुधविहार विकास समिति युवा इकाई। तो उसी कड़ी में हमारा एक प्रयास ये है, हमारा युवा प्रतिभाशाली है लेकिन उसकी प्रतिभा कहीं ना कहीं छुपी हुई है, तो हमारी इस इकाई का एक प्रयास ये भी रहेगा कि हम उस प्रतिभा को पहचानें, पहले उनकी काउंसलिंग करें, काउंसलिंग करने के बाद उनकी प्रतियोगिता का चयन करें और उनको आगे से आगे मौके दें ताकि वो अपनी प्रतिभा को दिखा सके, हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ा सके और हमारे देश को भी आगे बढ़ा सके। नमस्कार सभी मेरे दर्शकों को, मेरा नाम मनीष गोयल, बुधविहार विकास समिति युवा विंग का मैं इंचार्ज हूँ और बुधविहार विकास समिति ने मुझे ये अवसर दिया कि इस युवा विंग का इंचार्ज बनाया। और मैं सभी लोगों को ये बोलना चाहूँगा, जैसे हमारे देश का युवा, युवा मतलब क्या है कि युवा करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन उसको क्या है, लाइक कुछ या तो अवसर नहीं मिल पाते या कोई लक्ष्य नहीं मिल, लक्ष्य उसके पास है पर उसे अवसर नहीं मिल पाते। तो हमारा इसमें मेन मोटिव क्या है, इस युवा विंग का हमारा मेन मोटिव है कि उसको अवसर देना। तो इस विंग के माध्यम से हम सिर्फ युवाओं को अवसर ही नहीं देंगे, हम उनके अंदर एक जागरूकता पैदा करेंगे कि वो इस क्षेत्र में, इस देश में कैसे अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। हमारा मेन मकसद क्या है इस विंग के थ्रू, जैसे युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा करना युवाओं के अंदर और युवाओं को नशा मुक्ति से मुक्त करना। नमस्कार, मैं नैंसी गोयल। यूथ विंग ने मुझे चांस दिया कि मुझे कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभानी है और मैं अपनी बात इस तरीके से शुरुआत करूंगी कि देश में युवा जोश को जगाने की जरूरत है, युवा जोश की कमी थोड़ी है और जिस देश के साथ युवा हो उस देश में किसी चीज की कमी थोड़ी है। तो मैं अपनी बात में कहना चाहूंगी कि आज देश की मोर देन 60% पॉपुलेशन जो कि यूथ है, अगर उसको हम चैनलाइज कर दे बाकी लोगों को हेल्प करने में, तो मुझे लगता है इस देश में बहुत सारी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। हमारी जो यूथ विंग है उसकी 10 विजन्स है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट विजन है 8 विजन, जिसमें युवाओं के लिए लाइब्रेरी की स्थापना करना। लाइब्रेरी, मेरे को लगता है बुधविहार में मैं रहती हूँ लेकिन लाइब्रेरी जैसा ऑप्शन किसी ने यूज नहीं किया था, किसी ने नहीं देखा था। और शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम हर चीज की कमी को पूरा कर सकते हैं और यही हमारी यूथ विंग का एक मोटिवेशन भी है। हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, 11 लोगों की टीम है और ये 11 लोगों की टीम सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहेगी, इसमें हम और बहुत से लोगों को जोड़ेंगे। तो यही हमारी टीम का मोटिव है। वैसे भी पहले जो विकास भैया की टीम रही जो उन्होंने पहले बनाई, ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे मोटिव चलाए, नो क्रैकर्स बेसिकली, उसमें ग्रीन उसको उन्होंने फोकस किया मेन विंग। अब यूथ विंग को चांस मिला है और मुझे लगता है जैसे कि भैया ने भी कोट करा कि विवेकानंद जी का एक कोट है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल यू रीच द गोल, और हम उसी की कोशिश करेंगे कि हम उसको आगे लेकर जाए। नमस्कार आप सभी को, मैं ज्योति गर्ग, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, जिस तरह हमारी जो यूथ विंग अभी लॉन्च हो रही है तो इसका मेन मोटिव यही रहेगा, जैसे कि हमारी जो इकाई है, महिला इकाई, पुरुष इकाई, सबने इतना योगदान दिया, जो हमारा कोट है, हमारा विकास क्षेत्र का विकास, हमारा प्रयास क्षेत्र का विकास, ये कोर्ट को पूरा करने के लिए सबने अपना योगदान बहुत बखूबी निभाया है। अब ये चांस यूथ में भी हमें देना जा रहे हैं ताकि वो यूथ आगे बढ़कर अपना सहयोग दे और समाज को सुधारने का एक अवसर प्रदान करे। नमस्कार, मैं केशव कंसल, जॉइंट सेक्रेटरी बुधविहार विकास समिति युवा इकाई। बहुत जगह बहुत तरह का टैलेंट है, हर युवा में कोई ना कोई टैलेंट होता है लेकिन वो उस टैलेंट को निकाल नहीं पाता, उसको अपने ढंग से
नहीं दिखा पाता, इस चीज के बहुत सारे कारण होते हैं। अब हम कारण नहीं गिना सकते, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि उन सारे टैलेंट का सर्च करें, उन टैलेंट को देश के लिए बाहर लाए और आगे वो टैलेंट हमारे देश का विकास करे। शुक्रिया। और एक हमने जो टैगलाइन जो डाली है कि हमें क्यों यूथ विंग का निर्माण करना पड़ा, क्योंकि जो कार्य बुद्ध विहार विकास समिति मेन विंग महिला विंग कर रही थी निश्चित रूप से बेहतरीन कार्य कर रही थी, उसे और ज्यादा तराशने के लिए अभी हमारे एक युवा साथी ने बोला था कि युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है आज देश के विकास में। तो जब देश के विकास में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के विकास में भी हमारी बहुत बड़ी भूमिका है युवा साथी निभाएंगे। तो हमने जो टैगलाइन की है उसका एक इशारा, बिल्कुल प्रत्यक्ष इशारा भी है कि युवाओं का भी होगा साथ तब होगा क्षेत्र का भरपूर विकास। निश्चित रूप से जब युवाओं का भी, जब इस आंदोलन के अंदर ये मुहिम जो हम चला रहे हैं पिछले लगभग 6 वर्षों से, उस मुहिम के अंदर जब युवा साथी भी जुड़ेंगे, हालांकि बुद्ध विहार विकास समिति अपने आप में एक पूरी युवाओं की टीम है लेकिन एक जो नेक्स्ट जनरेशन की टीम है, निश्चित रूप से जितने भी एजेंडा अभी हमारे युवा साथियों ने, मैं उसका पुनरावरण नहीं करूंगा, लेकिन जितने भी एजेंडे बताए निश्चित रूप से काबिले तारीफ हैं। और मैं आप लोगों को बहुत 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 शुक्रिया भी करूंगा, आपको बधाई भी दूंगा। यूथ विंग के गठन पर केक काटा गया और सभी का मुंह मीठा करवा कर खुशी जाहिर की गई। वर्तमान समय में जनहित से जुड़े 10 बिंदुओं पर यूथ विंग काम करेगा जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा हित प्रमुख है। भविष्य में इस यूथ विंग का विस्तार करते हुए इसमें ब्लॉक स्तर की भी नियुक्ति की जाएगी। बुद्ध विहार विकास समिति पहले भी जनसेवा के कामों को अंजाम देता आया है और निश्चित रूप से अब यूथ विंग के गठन के बाद इस काम में और भी तेजी आएगी। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए गुलशन सैफी की रिपोर्ट।